to solve this exercise 6.1. So the first question is fill in the blanks using the correct words given the brackets. So हमें fill in blank को fill करना है, खाली जगह को भरना है और इसमें options आपके पास already दी हुई है, congruent और similar की option दी हुई है. तो हम congruent और similar का जो concept है हम उसका सबसे पहले को revise कर लेते हैं कि congruent और similar यदि हम इसमें भरेंगे तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. तो हमारे पास जो हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास होता है दो पार्ट, एक होगा शेप और दूसरा होगा साइज. तो यदि शेप एक फिगर की दूसरी फिगर की शेप के बराबर होगी और शेप शेप की तरह होगी, दोनों की शेप सेम होगी, शेप ऑफ वन एंड शेप ऑफ टू इज सेम, वन फिगर एंड सेकेंड फिगर एंड साइज ऑफ फर्स्ट फिगर इज इक्वल टू द साइज ऑफ द सेकेंड फिगर, हम यूँ कहें ये भी सेम होगी, तो दोनों ही फिगर होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, देन बोथ फिगर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. एंड इफ द सेकेंड केस शेप ऑफ फर्स्ट फिगर इज इक्वल टू शेप ऑफ सेकेंड फिगर, मतलब दोनों ही जो शेप्स होंगी वो सेम होंगी और जो साइज होगा, साइज ऑफ फिगर नंबर वन इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू द शेप, सॉरी, और नॉट इक्वल साइज ऑफ second and then equal or not equal, equal or may not equal. So at that point of time your shapes will be similar. इस बात का हमने ध्यान रखना है. तो हमारे पास जैसे सर्कल का एग्जाम्पल है, तो हम सर्कल में हम देखें कि हम अलग अलग सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं. सर्कल आप एक सेंटर ले लीजिए और सेंटर के किनारे आप पहला सर्कल ड्रॉ करिए, देखिए ये भी सर्कल है, और दूसरे केस में आप फिर सर्कल ड्रॉ करिए, ये भी सर्कल है, ओके दिस इज ऑल्सो सर्कल, और थर्ड केस में ड्रॉ करिए, खुद प्रिडिक्ट करेंगे, ये देखिए दिस इज ऑल्सो सर्कल. अब सभी की शेप सेम है और शेप तो सेम है बट साइज इज डिफरेंट. अब आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए, हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइज, देन दीज सर्कल्स आर सिमिलर सर्कल. सो मैं यहाँ फिल करना चाहूँगा दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस मीन्स ऑल सर्कल आर द सिमिलर सर्कल्स, राइट. और इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ स्क्वायर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो आप यहाँ देखिए सेकंड पार्ट हम यहाँ फिल करते हैं, इसमें आप ये देखें एक स्क्वायर हो गया हमारे पास, स्टार्टिंग विद फर्स्ट स्क्वायर, ओके, एंड देन वील गो फॉर द सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर हो गया, एंड देन वी विल गो फॉर द थर्ड स्क्वायर, दिस इज थर्ड स्क्वायर, एंड नाउ वी विल गो फॉर द फोर्थ स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर, देन वी विल गो फॉर द फिफ्थ स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर. आप सब में देखिए कि इसमें भी क्या है, शेप सेम है, स्क्वायर की शेप है बट साइज डिफरेंट है. तो आई कैन से ये ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. यह भी हमें इस ऑप्शन को ही अटेम्प्ट करना है कि ये सब जो स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं. और ये सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को आप समझ सकते हैं कि ये देखिए आप हम बनाने की कोशिश करते हैं आपके साथ.
first one is this is a triangle. This is equilateral triangle. अब एक और इसमें ट्राइंगल बना दीजिए. This is another triangle. Now this is another triangle. So the shapes are same, every shape is same, but size is different. So once again, you can mark that all the equilateral triangles are similar. You can mark this option, equilateral triangles or equilateral triangles are similar. And then use this concept once again, the two polygons of the same number of side, koi polygon hai, equilateral triangle hai, या स्क्वायर है एंड पेंटागन है हेक्सागन है बट एवर यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ओके देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल सो then these then any polygon is similar right similar figures aap yahan dekhen isme aapke paas aa jayega figure number 1 this is figure number 1 and this is figure number 2 so yahan hamare paas pair of similar figures hai to figure number 1 mein aap dekhiye ki jisme radius jo hai shape to square ki sorry circle ki hai और जो साइज डिफरेंट होने की वजह से ये सिमिलर फिगर है और जो दूसरा पेयर है इसमें आप अंदर का जो स्क्वायर देखिए अंदर भी स्क्वायर है बाहर भी स्क्वायर है आप एवरी एंगल इज 90 डिग्री हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए इज एंगल ए प्राइम एंगल बी प्राइम एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्राइम angle A is equal to angle A prime and angle D is equal to angle D prime. So these all angles are same. और जो corresponding sides की ratio देखिए आप A B upon A prime B prime का जो ratio होगा वो होगा 2/4. This is equal to 1/2. आगे किसी भी side का ratio ले लीजिए. Every side have the same ratio. I mean A B के बाद B C upon b prime c prime having the ratio 2/4 is equal to 1/2 and then c d upon c prime d prime this is 2/4 a ratio this is equal to 1/2 and then d a upon d prime a prime this is also 2/4 and it is equal to 1/2 सो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो मैथमेटिकल क्राइटेरिया है हमारा दो फिगर्स को सिमिलर करने का कि यदि उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर आती है तो वो सिमिलर होती हैं तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों पेयर जो हैं वो सिमिलर है अब हम चलते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए तो इसके लिए हम ये फिगर नंबर 3 विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 का पेयर लेते हैं हम तो इसमें देखिए कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है एंगल ए आई कैन राइट नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस सो ऑल एंगल्स आर सेम But if you will see the ratio of the corresponding side, अब आप देखें कि ये square है. This is a square.
right? And this is a rectangle. This is a rectangle. So आप देखिए कि this 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 ratio is same. This side is 3 and this side is 3. This side is 3 and this side is 3. Okay, corresponding side की बात करूँ तो ये 3 और इस 3 का इसका रेशो आ जाएगा और इसका रेशो आ जाएगा. So और यहाँ देखिए आप this side is 3, this side is 3.5. तो कॉमन सेंस से भी हम इसको कर सकते हैं कि इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो सेम ना होने की वजह से ये डिससिमिलर फिगर्स हैं. यहाँ हम देखें तो यहाँ जो रेशियो है पी क्यू और ए बी का रेशियो जो है, आप यहाँ लिखें पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3. सो दिस इज 1/2 एंड QR upon BC का रेशो 1.5 upon 3, इट इज ऑल्सो इक्वल 1/2. आप आगे करें SR upon DC यह आ जाएगा 1.5 upon 3, दिस इज ऑल्सो 1/2 एंड SP upon DA दिस इज 1.5 upon 3, दिस इज ऑल्सो 1/2. अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो तो सेम है बट द ऑल एंगल्स आर नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल. सो दिस एंगल एंगल एट पी इज नॉट इक्वल टू एंगल एट ए, राइट? एंगल एट क्यू इज नॉट इक्वल टू एंगल एट बी. एंगल एट आर इज नॉट इक्वल टू एंगल एट सी. And angle at S is not equal to angle at D. So all these four angles are not equal. This means that these figures are not similar figures. So we have solved the question number 3 also, and this is the another example for non-similar figure for question number 2. So this is all about this exercise 6.1. I hope that you have enjoyed this exercise. और आपको सारा जो concept होगा similar figure का congruent का वो clear हो गया होगा. Thank you very much.